अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टडी किया अपने पिछले दो लेसन्स में। आज हम प्लांट्स के अंदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दैट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। ओके, वी से द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। And let us define when vegetative parts of plants, roots, stems or leaves give rise to new plants, the process is called vegetative reproduction or vegetative propagation. Clear होगी बात आपको कि जब vegetative parts of plants जैसा कि roots, stems, leaves, जब इनसे नए plants generate होने लग जाएं, so this method is called vegetative reproduction or vegetative propagation. जो आर्टिफिशियली साइंटिस्ट्स ने अब से करना शुरू किया है कुछ अरसे से, इन दोनों मेथड्स को हम देखेंगे। आज के लेसन में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टडी करना है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स नेचुरली इन सेवरल वेज, ठीक है, कई तरीके हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बल्ब्स को। बल्ब्स क्या होते हैं? शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन्ड स्टोर्ड फूड, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, शॉर्ट साइज में हैं और इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं जिनके अंदर स्टोर्ड फूड होती है, यानी प्रिपेयर्ड फूड होती है। एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज अंडर द बेस ऑफ बल्ब विच वाइल्ड शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ बेस, ठीक है। जो इनकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो इस बल्ब के बेस से स्टार्ट होती हैं जनरेट होना, जबकि जो शूट्स होती हैं वो बेस की टॉप से स्टार्ट होती हैं। और इस तरह की प्रोडक्शन किन में होती है? ट्यूलिप्स, अनियंस एंड लिलीज, ठीक है। तो इसमें अनियन, प्याज जो हमारा कॉमन यूज होने वाला प्लांट है, इसमें भी ये प्रोसेस होता है। हम इसकी डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। सो लेट अस सी द डायग्राम। फ्लैशी लीव्स, ठीक है, इसके बाद बेस, बेस से जनरेट होती है एडवेंटिशियस रूट्स और बेस की बड्स से निकलती हैं इसमें शूट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये नया प्लांट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है, और यूं एक जो है अनियन से एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे, कॉम्स। कॉम्स आर शॉर्ट एंड फॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स कंटेनिंग स्टोर्ड फूड, ठीक है। जमीन के अंदर रहने वाली स्टेम्स हैं और शॉर्ट साइज में हैं जिनमें स्टोर्ड फूड भी होती है। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम। कॉम की जो टॉप है उसके ऊपर बर्ड जनरेट होती है। फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रोज एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, ठीक है। और इस तरह से जो उनकी बर्ड है उसमें से शूट्स निकलती हैं और वो नया प्लांट बना देती हैं। डशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। तो गार्लिक हमारी कॉमन यूज होने वाली वेजिटेबल है, ये भी इस मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कॉम के कॉम ऑफ कोलोकेशिया प्लांट से इन्होंने वो ली है और कॉम्स को इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। और फिर इससे डॉटर कॉम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं, ठीक है, और इससे नए प्लांट्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो कॉम्स हैं ये यूटिलाइज होती हैं नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में। इसके बाद राइजोम्स की बात करते हैं। राइजोम्स भी हॉरिजॉन्टल शेप में, यानी कि जमीन के साथ लेटी हुई हालत में अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। इनकी अपर साइड पर शूट्स जनरेट होती हैं और लोअर साइड के ऊपर जो है वो रूट्स जनरेट होती हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी। राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स। दीज आर एनलार्ज्ड पोर्शंस कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम। बर्ड्स आर प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड एट नोड्स, ठीक है। इनके कुछ एनलार्ज्ड पोर्शन होते हैं जहां से ये बढ़ जाते हैं और वहां पे बर्ड्स जो है वो जनरेट होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होती हैं। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट। जो अपर सरफेस के ऊपर बर्ड्स होती हैं वो शूट, वहां से शूट निकलती है। द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट्स। जबकि नीचे वाली सरफेस है वहां से एडवेंटिशियस नई रूट्स निकलती हैं। जिंजर, फर्न्स एंड वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस बाय राइजोम्स। जिंजर, अदरक वगैरह और इस तरह से फर्न्स के प्लांट्स होते हैं, वाटर लिली का प्लांट है जो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो लेट अस सी के राइजोम्स ऑफ जिंजर, ठीक है। अब जिंजर पे क्या हुआ है
के नोड्स हैं, इन नोड्स में से बर्ड्स निकली हैं, फिर इन बर्ड्स के अपर पार्ट से जो है वो शूट बन चुकी है प्लांट की, जबकि जो लोअर पार्ट है वो रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो इस तरह से जो जिंजर है ये नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स आर द एनलार्ज्ड पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, यानी राइजोम की ही एक बड़ी हुई शक्ल है। देर आर एग्रीगेशंस ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आईज अलोंग द सरफेस ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर की सरफेस के ऊपर जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो एग्रीगेट इकट्ठी हो जाती हैं और एक आई की एक आंख की शक्ल बना लेती हैं। ईच बर्ड डिवेलप्स इनटू शूट दैट ग्रोज अपवर्ड एंड आल्सो प्रोड्यूसेस रूट्स। ठीक है, अब हर बर्ड में से क्या निकलता है, शूट निकलती है जो अपवर्ड जाती है और उसी से रूट्स भी निकलती हैं। ठीक है, पोटैटोज एंड यम्स रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स। तो पोटैटोज के अंदर इस तरतीब से रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स के पोटैटो के अंदर जो ये बर्ड्स हैं यहां से ये इकट्ठी होकर इन्होंने आई बना ली। ठीक है, ये और इसके बाद इससे ही जो है वो क्या हो रहा है कि नए जो लीव्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं, न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है और इस तरह से पोटैटोज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, सकर्स। सकर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, लेटरल पोजिशन में ग्राउंड लेवल पे ये स्टेम्स मौजूद होती हैं। अ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स अप। ठीक है, अंडरग्राउंड में वो किसी हद तक ग्रो करते हैं और उसके बाद वो जमीन से बाहर निकलते हैं प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में मिंट और क्राइसेंथेमम रिप्रोड्यूस बाय दिस वे। ठीक है, मिंट पुदीना जो होता है वो इस सेंस में रिप्रोडक्शन करता है इस तरीके से। ठीक है, यानी जमीन के अंदर ये किसी हद तक जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो जमीन से बाहर निकलते हैं। इसके बाद लास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स का। इसमें इज नॉट कॉमन एंड इन सीन इन सच प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थरचट कहते हैं। दिस प्लांट हैज फ्लैशी लीव्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिंस ऑफ लीव्स। व्हेन लीव फॉल्स ऑन ग्राउंड द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इनके किनारों पे बर्ड्स लगी होती हैं। ठीक है, इन बर्ड्स में से जो है वो न्यू लीव्स या न्यू प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं और जो है यानी कि ब्रायोफाइलम प्लांट्स की टाइप्स हैं, टाइप है ब्रायोफाइलम प्लांट्स, उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन होती है जिसमें लीव्स जो होते हैं जब ये जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर ये न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने 6 मेथड्स पढ़े हैं और हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ा है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि जिसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं स्टेम रूट्स लीव्स वगैरह जब वो न्यू प्लांट जनरेट करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए। उस पर हमने उसके अंदर 6 मेथड्स पढ़े हैं और उन 6 मेथड्स के अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम्स के साथ उनको स्टडी किया है कि किस तरह से कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो किस मेथड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आज के लेसन के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।